खबरों में एक बार फिर रुक कर लेते हैं साहिबगंज की ओर। सकरे गले विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिवजी कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों फुटकर दुकानदारों ने उपायुक्त रामनिवास यादव से मिलकर मांग पत्र सौंपा। वहीं समिति के सचिव प्रदीप कुमार सिंह उर्फ लड्डू सिंह ने बताया कि सकरे गले स्टेशन एवं NH 80 के पास खाली जगह पर ग्रामीण फल सब्जी का दुकान स्थायी रूप से चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे, लेकिन कुछ दिनों से रेल प्रशासन और तालझारी थाना प्रभारी के मौखिक आदेश पर दुकान को बंद कर दिया गया, जिसके कारण कई दुकानदार बेरोजगारी एवं भुखमरी की स्थिति पर पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने उपायुक्त से गरीब फल सब्जी बेचने वाले दुकानदारों के लिए दुकान खोलने की मांग की है। वहीं उपायुक्त ने सभी दुकानदारों को हर संभव मदद करने की बात कही है। हम लोगों ने एक कमेटी गठन किया, कमेटी के माध्यम से हम प्रशासन तक, रेलवे का GM DRM तक हम उनको अवगत कराना चाहते हैं कि आपका जो खाली जगह है, आपके बाउंड्री वाल का सटा हुआ, बगल में रोड किनारे सटा हुआ, उसमें सैकड़ों हमारे दुकानदार भाई उसमें दुकान लगाए, इसमें से लगभग हजारों परिवार का रोजगार होता है। अभी आप DC साहब से मिले तो DC साहब क्या बोले? DC साहब ने आश्वासन दिए हैं कि रोजगार को देखते हुए हम देखते हैं हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। कहीं जगह चिन्हित किए हैं, कैसा जगह? जगह हम लोगों के पास नहीं है। सकरी गली रेलवे स्टेशन के पास बरसों से आप लोगों ने भी देखा होगा, कितनों बरसों से लग करके बाजार आ रहा है, वही रोड के किनारे हटा हुआ है। उनका जमीन छोड़ करके कुछ जमीन है खाली पड़ती, उसी में कुछ फल सब्जी ठेला पर लेकर के लोग दुकानदारी करते हैं, उसी से अपना भरण पोषण करते हैं। उनको लोग कहते हैं कि नहीं, दुकान वकान यहाँ से हटाओ, काफ़ी भीड़ होता है आपके यहाँ। पूरे शहर में तो समूचा मेन रोड के किनारे तो दुकान साइड में है ही, हर जगह तो शहर रहने के बाद भीड़ भाड़ हल्का होता ही है। यही सब मांग करके लेकर के हम आए हैं कि हम DRM से GM से हम अनुरोध करते हैं, वो कम से कम यदि नहीं होता है तो उस बाजार जगह, खाली जगह को ऑक्शन करके बाजार को लगवाया जाए।